नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों हम कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं, कक्षा 8 की एनसीईआरटी प्रश्नावली संख्या 6.1। क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? दोस्तों आप जानते हैं कोई संख्या होती है तो उसमें इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से होती है दोस्तों। तो हमें सिर्फ पूछ रहा है इकाई वाला हिस्सा। दोस्तों आप जानते हैं यदि कोई संख्या से हम गुणा करें, मान लीजिए 72 से, तो हम दोस्तों 2 से पहले गुणा करेंगे, 2 2 4, और फिर जब नीचे ये कट्टूस आ जाए तो सबसे नीचे 4 ही बचता है। तो इकाई पे अंक दोस्तों वही बचता है जो इकाई का इकाई से गुणा होता है। तो दोस्तों 81 का जब 81 से गुणा होगा तो 1 का 1 से गुणा होगा तो इकाई वाले स्थान पे 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 आएगा इकाई वाले स्थान में। 2 का 2 से होगा तो 4 आएगा। 9 का 9 से होगा तो 81 का 1 आएगा। 3 का 3 से होगा तो 9 आएगा। 4 का 4 से होगा तो 4 चौक 16 का 6 आएगा। 77 49 का 9 आएगा। 68 64 का 4 आएगा। 0 का तो 0 ही आएगा। 6 6 36 का 6, 5 5 25 के 5। ठीक है दोस्तों, वर्ग यानी उसी का उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं हम। आप जानते हैं एक आकृति भी होती है वर्ग, एक आकृति भी होती है वर्ग दोस्तों, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो यदि हम उसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल एरिया, तो दोस्तों उसमें भी हम एल का स्क्वायर ही करते हैं, यानी का एल का एल से गुणा। ठीक है दोस्तों, इस आकृति को भी वर्ग कहा जाता है, वर्ग। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका कारण पूछ रहा है ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं, कैसे आप बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग ये नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो इकाई का स्थान है, इकाई का स्थान कभी 7 पे खत्म नहीं होगा, इकाई का स्थान 7 पे खत्म नहीं हो सकता दोस्तों। अगर संख्या 1 रही होगी तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा, 2 रही होगी तो 4 आता, 3 रही होती तो 9 आता, 4 रही होती तो 6 आता, 5 रही होती तो 5 ही आता, 6 रही होती तो 6 आता, 7 रही होती तो 9 आता, 8 रही होती तो 4 आता और 0 रही होती तो 0 आता। टोटल दोस्तों ये 10 10 एग्जाम्पल हैं ऊपर वाले प्रश्न में, और 10ों वो संख्या 1 से 9 तक और 0, हमने देखा है कि सिर्फ यही संख्याएं आ सकती है किसी वर्ग में, वर्ग के इकाई के स्थान पर सिर्फ यही संख्याएं आ सकती है, 1 4 9 6 5, बस 1 4 1 4 5 6 9, सिर्फ वर्ग में यही आ सकती है, 1 4 5 6 और 9 और 0, 3 3 6, सिर्फ यही संख्याएं हो सकती। इसमें 7 है तो ये नहीं हो सकती, 3 है तो ये भी नहीं हो सकती, 8 है तो ये भी नहीं हो सकती, 2 है तो ये भी नहीं हो सकती, 0 है तो हो सकती है, मगर 68 64, मगर यहाँ पे एक और अगर 0 होता तो हो जाती, अभी नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि 2 0 चाहिए ना वर्ग में। ये दोस्तों 800 का वर्ग होगा 64, इतना होगा दोस्तों, मगर ये संख्या इतनी ही है इसलिए नहीं होगा, 2 तो हो नहीं सकता इकाई के स्थान पे, ये हो सकता है मगर 0, यहाँ 3 है, 0 हमेशा जोड़े में होंगे, हमेशा सम संख्या में होंगे दोस्तों, है ना, इसलिए नहीं है। यहाँ भी दोस्तों सम संख्या में नहीं है, 0 इसलिए नहीं है, तो किस लिए नहीं है ये वर्ग, समझ गए आप। अगला देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? विषम किसका होगा? 1 का 1 से करेंगे तो विषम ही होगा, विषम ही होगा इसका होगा। 6 का 6 से करेंगे तो 6 आएगा, तो नहीं होगा इसका। 9 का 9 से करेंगे 81 आएगा, तो इसका होगा। 4 का 4 से करेंगे तो 16 का 6 आएगा, इसका नहीं होगा। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।